ऐसी बढ़िया गाड़ी, कॉफी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी, उसके भी साथ उस पे एकदम प्रो टाइप की डेकोरेशन, तो सबको सीखते हैं फटाफट से। तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और नेहाज किचन बिला में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए कुछ डिफरेंट, कुछ नया, यानी कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी को डेकोरेट करने के कुछ बढ़िया से आइडियाज। और ये आइडियाज होंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड आपको बढ़िया सी कोल्ड कॉफी या फिर हॉट कॉफी एकदम डिजाइनर वे में मिलती है। तो ऐसे ही कुछ नए और बहुत ही सिंपल आइडियाज जिनको आप चुटकियों में कर लेंगे और कोई भी गेस्ट आएगा या कोई भी फ्रेंड आएगा आप उसे सर्व कीजिए और तारीफ में पाइए। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइड मैंने दूध को रख दिया है बॉईल होने के लिए। मैं अभी आपको हॉट कॉफी के साथ दिखा रही हूँ। यदि आप कोल्ड कॉफी भी चेक करना चाहते हैं तो आपको नीचे ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप एक बार कोल्ड कॉफी की बढ़िया सी रेसिपी जरूर चेक करें क्योंकि ये डेफिनेटली आपको खुश कर देगी। यहाँ सबसे पहले मैंने डाली है चीनी। आपको जितना कॉफी पाउडर डालना है उससे डबल चीनी डालनी है, यानी मैं बहुत सारी कॉफी बना रही हूँ तो मैंने आज 6 चम्मच चीनी डाली है। और मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि स्पून्स के साइज़ में डिफरेंस था, यदि आप सेम डाल रहे हो तो आप डबल कर दीजिए चीनी को और कॉफ़ी पाउडर आधा। और 1 कप कर रहे हैं तो आप उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने डाला है लगभग 4 चम्मच के करीब गर्म पानी। इसको हम फैटना स्टार्ट करेंगे। यदि फैटने में आपको 4 चम्मच पानी में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप 1 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह की बिस्क से इस तरह से यदि इसको हिलाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, हाथों से, दोनों हाथों से, जैसे हम रई चलाते थे ना उसी स्टाइल में, जो हमारी ट्रेडिशनल रई होती थी उसी स्टाइल में यदि आप चलाते हैं बजाय जैसे कि अंडा फैटते हो उसकी जगह, तो आपकी कॉफ़ी एकदम मस्त और बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। और इसी पर हम आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया से कॉफी डेकोरेशन के आइडियाज। तो ये देख लिया आपने कि कितनी पफी और कितनी स्मूथ बन गई है। यदि आपके पास बिस्क नहीं है तो मैंने एक और आइडिया आपको शेयर कर रखा है हॉट कॉफ़ी और इन कोल्ड कॉफ़ी बनाने का, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस है वो भी। सबसे पहले जो हमने कॉफ़ी फैटी थी कप्स में हमने वो डाल दी है। अभी हमने गर्मा गर्म बॉयल किया है दूध, दूध डालेंगे इसके ऊपर हम। और इसके ऊपर से हम फिर से डालेंगे अभी जो हमने कॉफ़ी फैट कर रखी है उसको। तो यदि आपको भी कॉफ़ी बनानी है लाइक अ प्रो, यानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम बढ़िया सी कि हर कोई पीने के बाद आपकी तारीफ करे, और एकदम स्टाइलिश कॉफ़ी, तो वही आज रेडी होगी। इसमें हमने ऊपर डाला है फिटा हुआ कॉफ़ी। ये देखिए लग रही है ना एकदम क्रीमी सॉफ्ट मस्त कॉफी। तो इसको डेकोरेट करने के बहुत ही इजी से आइडियाज मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट आइडिया है हमारे पास, इसके लिए आपको चाहिए चॉकलेट सिरप। आप घर में बना हुआ चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से राउंड में इसके ऊपर डाल दिया। एक टूथपिक लेंगे एंड जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरह से हम इस पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो बन गई ना एकदम स्टाइलिश कॉफ़ी। सेकेंड आइडिया है हमारे पास, हम यहाँ पर चॉकलेट सिरप के साथ ही जिगजैग लाइन क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला चॉकलेट सिरप है हर्सीज का चॉकलेट सिरप।
आप कोई भी चॉकलेट सिरप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो। एंड इसको जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। एंड देखिए कितनी डिफरेंट एंड स्टाइलिश लग रही है, लग रहा है ना कि इसको करना आसान नहीं है। तीसरा है यदि आप ढंग से नहीं भी डाल पा रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी डाल दिया आपने, तब भी बस आपको एक टूथपिक लेना है एंड इसको राउंड राउंड करते हुए आपको स्पून को मूव करना है। एंड आप देखेंगे कि इतना स्टाइलिश डिजाइन क्रिएट होगा, सब लोगों को लगेगा पता नहीं कैसे किया ये, जबकि सच्चाई केवल आप और मैं ही जानते हैं। हमारे फोर्थ स्टाइल के लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूर पर छोटे छोटे डॉट्स बना लीजिए। फिर से लीजिए एक टूथपिक एंड इसको बिल्कुल मिडिल में से होते हुए सभी डॉट्स के आपको इस तरह से निकाल देना है। एंड ये वाला स्टाइल आपने देखा है ना टीवी एड्स में शायद। फिफ्थ स्टाइल के लिए जो बेडिंग कार्ड्स आते हैं या फिर मोटा वाला जो पेज होता है आपको वो लेना है। इसे किसी भी डिज़ाइन में आप कट कर सकते हैं। मैंने 20 से फोल्ड करके यहाँ हार्ट शेप में कट कर दिया और ये हमारा कॉफ़ी स्टेंसिल रेडी हो गया है। कॉफ़ी के ऊपर इसको रखना है। थोड़ा सा लेना है चोको पाउडर, चोको पाउडर नहीं है तो कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए, छन्नी के ऊपर डालिए, चम्मच से स्प्रेड कीजिए। एंड स्टेंसिल को सावधानी से हटा लीजिए। कुछ गड़बड़ यदि हल्की फुल्की लगी भी तो डरने की कोई बात नहीं है, टूथपिक लें एंड इसका शेप एकदम बढ़िया सा आप क्रिएट कर दें। तो ये थी हमारी फिफ्थ स्टाइल। चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी छठी स्टाइल की तरफ। इसमें एक ही पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा सा कॉफ़ी सिरप डाल दें। आगे की तरफ कॉफ़ी सिरप को खींचें। कॉफ़ी सिरप के पीछे से आपको इसमें कुछ हल्का सा लीफी लुक क्रिएट करना है। एंड ये ऊंचा नीचा स्टाइल आपका रेडी हो जाएगा।